बरनाले में बहुत फैसिलिटेट करवाया है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला किया गया कि मुनाल रेस्टोरेंट को 11 सितंबर को बंद कर दिया जाए। हमारे भी बारे में सोचे कि भाई ये जगह बंद कर रहा है, यहाँ पे 450-500 बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं और जॉब का आप बंदोबस्त करके दे। ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, उसने ये नहीं सोचा कि 700 लोग, इतनी बेरोजगारी होगी, हम लोग किधर जाएंगे। जब ये रिजाइन मिला है हमें, इसलिए हम बहुत परेशान है। ये हुकूमत हमारे लिए सरोसर हमारे लिए जाती कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुनाल रेस्टोरेंट, आजकल मीडिया की जीनत बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला किया गया कि मुनाल रेस्टोरेंट को 11 सितंबर को बंद कर दिया जाए। वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई कि इसकी वजह से माहौल को खतरा है, यहाँ पे जो स्पीशीज है वो यहाँ से मूव कर रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ इस रेस्टोरेंट और इसके साथ दो रेस्टोरेंट और थे उनको यहाँ बंद करने का फैसला किया। इस रेस्टोरेंट और दिगर जो रेस्टोरेंट थे, घुल मिला के तकरीबन 2000 वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, 2000 खानदान यहाँ से चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो इसके करीबी गांव हैं, मलेका गांव है, वहां तक खाना पहुंचाया जाता है और उनके जो चूल्हा है वो यहां से जलता है। जो इस रेस्टोरेंट का स्टाफ है और दिगर लोगों से भी बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इसके बंद होने से उनका क्या नुकसान होगा और उनकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं जब गाड़ी चलाऊंगा जाऊँगा और मनाल बंद हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत टेंशन बनती है, वो इसलिए कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जरा 6-7 पेट है, वो किधर से पेट भरेंगे। वो ये तो हमारा एक दाना पोड़ी अल्लाह ने जात ने लिखा हुआ है, यहाँ तो हम खा रहे थे, और ये हुकूमत हमारे लिए सरोसर हमारे लिए जाती कर रही है, जो कि हम आपको कुछ की नहीं बता सकते हैं। जो हमारा जो दिल में है वो अल्लाह की जात जानता है, बाकी कोई जानने वाला नहीं है सर। अगर बंदा एक महीना भी फारग रहे ना तो बहुत पीछे चला जाता है, तो इसलिए बराए मेहरबानी ये मुनाल बंद नहीं होना चाहिए। इधर कोई गलत काम नहीं होता, अच्छा मेहमान भी आते हैं, उनको अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है सबसे, तो लिहाजा आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। सर मेरे बच्चे हैं 3, और अभी अभी मैं जब से मुनाल पे आया हूँ तो मैं थोड़ा सेटल हुआ था, लेकिन अब जब ये रिज़ाइन मिला है हमें, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जी 11 सितंबर को बंद कर दें, क्या गुजरी दिल पे। बहुत बुरा गुजरा, अभी तक मैं जो है ना उसके बारे में बयान ही नहीं कर सकता। अगर यही जो ऑर्डर देने वाला बंदा मेरे साथ आए ना, मैं उसको, मैं जिन गलियों में जिन जगहों पे मैं धक्के खा रहा हूँ ना, उसको भी घिसीट के उन जगहों पे मैं लेके जाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा। क्या दिखाएंगे, वो तो आएंगे एक प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों के साथ। तो वो आता प्रोटोकॉल के साथ है, तो फिर वो उसका ऑर्डर भाई हम कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। आप नहीं करेंगे, आपके मालिकान कर रहे हैं, तो हमारे भी बारे में सोचे कि भाई ये जगह बंद कर रहा है, यहाँ पे 450-500 बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं और जॉब का आप बंदोबस्त करके दे। फर्ज कर ले आपकी जॉब नहीं होती तो ये कर, बच्चों का क्या सोचा, उनका क्या करेंगे। बच्चों का क्या सोचना है, मैं खुद एक चिट्टा अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे बच्चे भी अनपढ़ ही होंगे। जब आपको ये खबर मिली कि 11 सितंबर को जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो रहा है, क्या आपके तासरात तो बहुत बुरे थे। ऐसे बैड न्यूज मिली है, इस प्रोजेक्ट में हमें 18 साल से हम काम कर रहे हैं, और ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, उसने ये नहीं सोचा कि 700 लोग एक बंदे के साथ 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, इतनी बेरोजगारी होगी, हम लोग किधर जाएंगे। और जो वर्कर, जाहिर सी बात है एक मैनेजर जो है वो एक माँ का दर्जा रखता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो जब ये खबर आप तक पहुंची, आपने अपने मुलाजमीन को सुनाई, तो वो कैसा फीलिंग, क्या फीलिंग? तो बहुत बुरी थी, इंतहाई पे स्टाफ को 3-4 दिन जब ये नोटिस मिले हैं कि आप अपनी जॉब का बंदोबस्त करें, ऑनर की तरफ से कि आप अपनी 11 सितंबर से पहले अपनी जॉब का को बंदोबस्त कर लें, मैं यहाँ पे और किसी को नहीं रख सकता, क्योंकि अब ऑर्डर आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के इसको क्लोज किया जा रहा है। हम बताएं हम किसके पास जाएं, किसके पास रोएं, और ये चीज़ों से सबको चाहिए कि खुदा के लिए कि इस बेरोज़गारी के हालात में, इतने मुश्किल हालात हैं मुल्क के, आगे मुल्क में क्या आ रहा है आप देखें, कितनी बेरोज़गारी है। ये 700 लोग हैं, 80% यहाँ पे मकामी स्टाफ है हमारा, जो लोकल है, ये लोग किधर जाएंगे। 11 सितंबर को यहाँ पे बंद हो रहा है, उसके बाद आपने कुछ सोचा अपनी फैमिली के लिए कि मैंने क्या करना है, उसका सर्वाइवल कैसे होगा। जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि बहुत मुश्किल। फीलिंग क्या है जी, फीलिंग्स क्या है?
फीलिंग्स बस बयान नहीं कर सकता, ज़ुबान के ऊपर नहीं ला सकता, क्योंकि इस कंपनी ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ हमें अपनी आगोश में रखा वो हमारे लिए इसके बाद बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। तो हमारे लिए जो कुछ भी है यही कंपनी है। सर हम बहुत परेशान हैं, हमारी घर का सर्किट, हमारी फैमिली का सारा सिस्टम ही इसी मुनाल की वजह से चल रहा है। हम दो भाई हैं, एक मैं कमा रहा हूँ, मेरा भाई एक मजदूरी करता है, तो हमारे घर का सारा सर्किट इस मुनाल की वजह से चल रहा है। अगर ये बंद होगा तो क्या होगा? सर हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम काम करें, अपने घर का सर्किट चलाएं, बहुत मुश्किल है। न्यू जॉब मिलना इतनी जल्दी नहीं अवेलेबल ही नहीं है, जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होना है, तलाश करने में टाइम लगना है। तो लिहाजा हमारी ये अदालत से अपील है कि ये इस मुनाल को बंद ना करे। अगर ये बंद हो गए सर हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम नया कोई काम करें या ढूंढे, मुनाले में बहुत फैसिलिटेट करवाया हुआ है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह रहम करेगा आपके साथ, कोई नहीं, एक दर बंद होता है तो 70 दर जो है वो खुल जाता है, परेशान नहीं होना। सर हम बहुत पुराने मुंसलिक हैं मुनाल के साथ, हमारा बहुत टाइम गुजरा हुआ है, हम एक फैमिली की तरह हैं, और हमारे बॉस हमारे साथ बहुत प्यार भी करते हैं, हमें अपनी फैमिली की तरह रखा हुआ है। तो हमारी ये इल्तमास है हुकूमत से कि इस मुनाल को ना बंद किया जाए। सर हमें ये नुकसान है कि हमारे चूल्हे इधर से ही जलते हैं, सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत मुश्किलात में, हमारे और कोई कमाने वाला है ही नहीं, हम अपने घर का जरिया खुद दिए लेडीज। तो क्या जॉब करती हैं आप यहाँ पे? सर मैं ये 10 कोटी की वाली जॉब करती हूँ, सिक्योरिटी में हूँ। अच्छा, अब ये तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि इसको बंद कर दें, आप लोगों के बारे में किसी ने कुछ सोचा कि आप लोग मुस्तकबिल में क्या करेंगे फिर इसके बाद? सर हम कहीं भी और जॉब नहीं कर सकते हैं, सर ये हमारा अच्छा अदारा है, इस अदारे में हम चल सकती हैं, सर हमें घर वाले और किसी जगह जाने नहीं देते, जॉब किसी जगह करने नहीं देते, कहते हैं कि ये अच्छा अदारा है इसलिए हम इधर जॉब कर रही हैं। तो नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? सर नौकरी नहीं होगी तो ये जो हमारा दारा बंद कर रहे हैं उन्हें दुआएं देंगे, क्या करेंगे? सिर्फ दुआएं देंगे? सर हमारे चूल्हे बुझ जाएंगे, क्या करें फिर? फर्क तो बहुत पड़ेगा, हम लोग मुनाल के लिए आया हुआ है, जैसे हम लोगों को पता चल गया कि मुनाल बंद हो रहा है तो हमने कहा एक विजिट लगाएगा मुनाल के लिए, फिर नहीं हो सकता है बंद होएगा, ये बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए बंद नहीं होना चाहिए कि पूरा इस्लामाबाद में ऐसा जगह नहीं है, पहाड़ों पर ऐसा खूबसूरत नज़ारा नहीं है कि बंद नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन आपने जो मुनाल रेस्टोरेंट था, लामुंताना था और दिगर जो स्टाफ था उनकी बात भी सुनी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, उनका एक ही मतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को इन 1500 से 2000 जो मुलाज़मीन हैं इनकी जो चूल्हे जल रहे थे उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लोग यहाँ से रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो 2000 लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, 2000 खानदानों के चूल्हे बुझ जाएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।